स्वागत है आपका बॉलीवुड फायर में और मैं हूँ आपके साथ रोशनी। और आज हमारे साथ है बहुत ही एक ऐसे कॉन्टेस्टेंट के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, सोनाली फोगाट और उनकी बेटी यशोधरा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। जो कि सोनाली फोगाट की अगर बात करूँ तो बहुत ही अच्छे से वो खेल रही है। और आज हम यशोधरा से जानेंगे कि पहले सबसे तो आप मुझे ये बताइए कि जब हम घर में एंटर करते हैं सबसे पहले हम ये पूछते हैं कि माँ कहाँ है, कितना मिस कर रहे हैं आप उनको? मैं बहुत ही ज्यादा मिस कर रही हूँ। पहले मिस कर रही थी, लेकिन जब से मैं मम्मा से मिली हूँ 7 मिनट्स के लिए मिली थी, उसके बाद से और भी मिस करने लगी। जी, आप रोज उन्हें देखते भी रहेंगे एपिसोड्स में, तो क्या लग रहा है आपको किस तरह से वो खेल रही हैं, कितना अच्छा लग रहा है उनका गेम आपको? वो बहुत ही अच्छे से खेल रही हैं जहां तक मुझे लग रहा है, और वो आगे भी अच्छा खेलेंगी। जी, अगर बात करें उनके बॉन्डिंग के बारे में तो हर किसी से बहुत ही अच्छी बॉन्ड शेयर करती है, वो बहुत ही रिस्पेक्टफुल बॉन्ड शेयर करती है। क्या लगता है आपको सबसे अच्छी बॉन्ड किसके साथ देख पा रही हैं आप? मैं देख पा रही हूँ राखी सावंत जी के साथ। हाँ जी, आपको पसंद है राखी सावंत? हाँ जी, एंटरटेनमेंट की बात करें तो क्या लगता है आपको घर में सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग कौन है? राखी सावंत जी। जी, तो अगर मैं बात करूं सोनाली जी के बारे में, तो अगर घर के बाहर आने के बाद आपको कभी राखी सावंत से मिलने का मौका मिलेगा तो क्या कुछ आप बात करना चाहेंगी आप उनसे? मैं यही पूछना चाहूंगी उनसे कि आपके पास इतने आइडियाज आते कहाँ से एंटरटेन करने के लिए, और उनकी मदर के बारे में भी पूछूंगी कि वो ठीक है या फिर नहीं। जी, यशोधरा, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हमने देखा था कुछ दिन पहले कि राहुल और अली के साथ उनकी थोड़ी अनबन हो गई थी, और उसके बाद सोनाली जी ने जो शब्द का प्रयोग किया था औकात, उसे ज्यादा अप्रिशिएट नहीं किया गया था। राहुल के फैंस को भी ये बात अच्छी नहीं लगी थी, हालांकि आपकी मम्मी ने माफी भी मांग ली थी उस बात को। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप उसके बारे में? मैं यही कहना चाहूंगी जैसे कि इफ वी आर इन आर्ग्यूमेंट, तो कभी कभी हमारे मतलब मुझसे मतलब हम कह बिल्कुल देते हैं जो कि हमें खुद नहीं पता चलता, जी तो आई थिंक सो जी दैट वाज प्रॉब्लम। फिर जी मम्मा क्योंकि आप रिलाइज मम्मा को जी रिलाइज भी हुआ, मम्मा ने उन्हें सॉरी भी बोला। जी हमने देखा भी है, क्योंकि घर में जो सिनेरियो होता है वो बहुत ही अलग होता है और जो हम टीवी पर देखते हैं वो बहुत ही अलग होता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हालांकि उन्होंने बाद में माफी भी मांगी और ये ऑडियंस को काफी ज्यादा पसंद भी आया। हाँ, जी पसंद आना चाहिए। जी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब हम बात करते हैं एक दोस्ती की, तो क्या लगता है आपको सबसे अच्छी दोस्ती किसके साथ निभा रही है सुनानी? राखी सावंत जी और अर्शी खान जी के साथ। जी, अगर अपनी मम्मा को आप कोई एडवाइस देना चाहोगे कि किससे उन्हें दूरी बना के रखनी चाहिए तो कौन होगा वो शख्स? मैं ये नहीं कहना चाहूंगी, वो जी उनके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मैं सिर्फ 1 घंटे का एपिसोड देख के मतलब वो नहीं कर सकती कि आप किसके साथ दोस्ती रखो किसके साथ नहीं रखो। जी क्या लगता है आपको किससे और ज्यादा दोस्ती बढ़ानी चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि इजाज के साथ उनकी काफी अच्छी बॉन्ड भी हमें देखने को मिलती है, और रुबीना और राहुल के साथ भी काफी रिस्पेक्टफुल बॉन्ड शेयर करते हैं वो, तो क्या लगता है आपको सबसे ज्यादा किससे उनकी दोस्ती और बढ़नी चाहिए? आई थिंक सो रुबीना दिलेक जी। आपको पसंद है रुबीना? हाँ, अच्छे लगते हैं। और अगर बात की जाए सबसे बोरिंग कॉन्टेस्टेंट की, तो क्या लगता है आपको सबसे ज्यादा बोर कौन कर रहा है आपको? बोर विकास गुप्ता विकास गुप्ता। जी, और शो। अगर बात की जाए आप बोलिए। जी, एंटरटेनिंग का खिताब तो आप ऑलरेडी दे चुकी हैं राखी सावंत को, आई गेस। हाँ, उनके बाद अगर किसी का नाम लेना चाहे जो कि पूरा ही मसाला दे रहे हैं शो में, तो वो कौन होंगे? पूरा मसाला दे रहे हैं, वो मैं नहीं कह सकती इतने अच्छे से। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि टॉप 5 कौन लगते हैं आपको, कौन हो सकते? टॉप 5 ऑब्वियसली मम्मा मुझे लगती हैं,
और मुझे लगते हैं रुबीना दिलैक, राहुल कुमार वैद्य, राखी सावंत और अभिनव शुक्ला, अली जी गोरी थोड़ा हूँ। जी अगर बात की जाए गेम के बारे में यशोधरा, तो हमने देखा है कि सोनाली फोगाट की बहुत ही अच्छी बॉन्ड है हर किसी के साथ, लेकिन कभी ना कभी अनबन भी होती है। तो क्या लगता है आपको आने वाले दिन में किनके साथ उनका मन मुटाव हो सकता है, किनके साथ आइडियोलॉजी क्रैश हो सकता है उनका? किसके साथ हो सकता है? आई थिंक सो अर्शी जी के साथ, क्योंकि और ऐसा क्यों लगता है आपको? मतलब वो इतने अच्छे दोस्त नहीं है जहां तक मुझे लगता है। ओके, थैंक यू सो मच यशोधरा फॉर ज्वाइनिंग विद अस ऑन बॉलीवुड स्पाई। हम चाहेंगे कि सोनाली फोगाट और भी अच्छा खेले, और जैसा कि आप उन्हें देखना चाहती हैं टॉप 5 में, वो जरूर वहां तक पहुंचे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस। मैं चाहूंगी कि हमारे व्यूवर्स हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि उन्हें कितने अग्री करते हैं वो यशोधरा की थिंकिंग के साथ। एंड कीप वॉचिंग बॉलीवुड स्पाई।